ये रहे अपना सेल्फी स्टिक का बॉक्स, ठीक है। इसके बॉक्स के ऊपर दिया हुआ है, उसके काम क्या है, ये एक स्टैंड जैसा यूज़ कर सकते हैं, सेल्फी स्टिक। और ये तो होल्डर है, यहाँ पे ये होल्डर एक्चुअली कैसा यूज़ करने का उसका इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है। और जो रिमोट है उसमें वायरलेस रिमोट दिया हुआ है ब्लूटूथ उसका, तो ये खोलते हैं हम लोग। अच्छा, तो कलर फिनिशिंग अच्छा दिख रहा है कलर, ये ठीक लग रहा है, फिनिशिंग भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये हम लोग ऊपर से के साइड में खोलते हैं, ये एक्सटेंड हो गया 180 डिग्री तक, ये खुला है, पीछे जा सकता है क्या, नहीं ये इतना ही ऊपर जाएगा, ये तो हम लोग 180 डिग्री तक स्ट्रेट देखने के लिए रखेंगे, ठीक है। और उसका जो मेन चीज़ है उसकी, ये है उसका स्टैंड, ठीक है। ये स्टैंड के ऊपर आप रख सकते हैं, और उसके साथ जो दिया हुआ है रिमोट, एक्चुअली ब्लूटूथ रिमोट ये है ऐसा, मैं दिखाता हूँ वापस, ठीक है। ये यहाँ से नीचे से प्रेस करने का, और ये जस्ट ऊपर निकल के आएगा। अच्छा, अभी हम लोग इसमें बैटरी इंस्टॉल करके देखते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ये यहाँ पे जो स्लॉट दिया हुआ है यहाँ पे, ये थोड़ा सा नीचे से प्रेस करके आप ये ऐसा ऊपर के ने निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं बैटरी डालता हूँ ऊपर के साइड में। अच्छा, इसमें जो बैटरी लगती है आप देख सकते हैं, बटन बैटरी है, सी आर समथिंग 2032, ये बैटरी इसमें लगेगी। प्लस साइड ऊपर, 1 मिनट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ये प्लस साइड, ये यहाँ पे प्लस साइड ऊपर, तो हम लोग ये प्लस साइड ऊपर रखते हैं और इसको क्लोज करते हैं। ये जस्ट यहाँ पे प्रेस करके हो जाएगा, ये बैठ गई बैटरी अभी, ठीक है। तो अभी इसको हम लोग बाद में देखते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। अभी ये जो है एक छोटी सी एक स्टिक दिख रही है, एकदम छोटी सी, जो आप ऐसे हाथ में पकड़ सकते हैं, और ये स्टैंड ऊपर, ठीक है, ये आप ऐसा हाथ में ले सकते हैं। जो उसमें स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि इसमें होल्ड कैसे करने का, जो फ़ोन है वो होल्ड कैसे करने का, कुछ प्रेशर किसी चीज़ को नहीं लगाना है, सिंपली ये ऊपर करने का, निकालने का है, और ये एक है ये ऊपर निकालने का है, ठीक है। ये जो पार्ट है वो ऐसा स्लाइड हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा प्रेशर लगता है वो, उसकी वजह से वो अटक के भी रहता है, ये ऐसा प्रेशर लगेगा, और उसमें ये होल्ड करेगा नाइसली, ठीक है। ये इसका जो टेपर है ये साइड में थोड़ा, ये साइड में आप देख सकते हैं जाड़ा है, ये थोड़ा ये साइड में पतला है, तो इसके अंदर जो मोबाइल है आपका बराबर फिट हो जाएगा, हिलेगा नहीं, ठीक है। अभी लोग ये नीचे में देखते हैं, ये इसकी बेसिक हाइट है, ठीक है, ये इसकी बेसिक हाइट है, सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, उसका ऐसा पकड़ के स्ट्रेट पकड़ा है मैंने, ठीक है। ये यहाँ से हम लोग यहाँ से स्ट्रेच कर सकते हैं, ये भी बाहर निकल रहा है, ठीक है। ना ये बड़ा हो गया, तो हम लोग वापस उसको रखते हैं अंदर करके। अच्छा, ये जो पार्ट है ये आपका ये साइड में मूव नहीं होगा, ये ऐसा ये साइड में 360 में मूव नहीं होगा, क्योंकि इसका जो स्लॉट है, ये स्लॉट आप देख सकते हैं, ये स्लॉट में ही वो बैठाया हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से वो फिट बैठ रहे हैं, तो वो नहीं लगता है मुझे हिलेगा। तो जब आप, मैं अंदर
ये करता हूँ। थोड़ा तो ये प्रॉब्लम कब आएगा सी, अगर ये आप रखते हैं ऐसा और अब अभी आपको नीचे कुछ शूट करने का रहेगा या फोटो निकालने का रहेगा या छोटी चीज़ का, ठीक है, तो ये आप ऐसा ही रख सकते हैं, तो ये ऐसा मूव नहीं होगा, ये 360 में ऐसा मूव नहीं होगा, ठीक है, ये ऐसा मूव होगा। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये जो है, अगर इधर फ़ोन है आप लगाते हैं तो ये साइड बीच में आ सकती है, आप देख रहे हैं, ठीक है, तो ये बीच में आ सकती है। अगर ये बीच में आता था, इसका जो स्लॉट है, ये स्लॉट तो इधर आता था, तो ये साइड में एक जगह मिलती थी अपने को शूट करने के लिए। तो ये अभी मेरे ख्याल से ये अभी डिसएडवांटेज भी बोलना बोल सकते हैं उसको, लेकिन उसकी वजह से एक स्टडी स्टडी नहीं आता है, ठीक है, अभी वो उनका हिसाब है डिज़ाइन करने का, ठीक है, लेकिन ये बीच में आ सकता है अगर मतलब कि आप यहाँ पे रखते हैं मोबाइल तो ये बीच में आएगा ऐसा, तो इधर आपको ऐसा सपोज शूट करने का रहेगा, ये कर शूट करने का रहेगा तो आप नहीं कर सकते, तो ये ज़्यादा ओपन करके उसके हिसाब से आपको सेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये साइड में मूव नहीं हो रहा है, ये डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है, ये डायरेक्शन में या ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में ही मूव होगा, ठीक है। आप इसकी हाइट, इतनी हाइट यहाँ पे है उतनी हो सकती है, ये देखो स्ट्रेट वे ही अंदर चला गया। तो हम लोग अभी इसमें फ़ोन लगा के देखते हैं, हम लोग अभी इसमें मोबाइल लगाते हैं, ठीक है, ऐसा ये मैं निकलता हूँ बाहर, पर ये थोड़ा ऊपर लेके इसमें बिठाते हैं, ठीक है, ये बराबर फिट बैठ गए, ठीक है, अभी आप देख सकते हैं इसको प्रॉपर, ठीक है, ये मैं भी स्टैंड जैसा यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये हम लोग सपोज शूट करने के लिए यूज़ करते, ये देखने के लिए आप ऐसा फ़ोन में भी चालू करता हूँ, ठीक है, ये मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, इसका हम लोग कैमरा देखते हैं, ये आप हाथ में रख के आप ऐसा शूट कर सकते हैं, ये है, इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये शूट कर सकते हैं हाथ में रख के, या फिर ये आप यहाँ पे जो स्टैंड है, ये स्टैंड से आप रख के जो आपका वीडियो वगैरह है, ठीक है, वो आप देख सकते हैं, ये आप इस तरह से होल्ड कर सकते हैं इसको, और जब शूट करने का रहेगा तो ये आपके सामने रहेगा, ठीक है, मैं दिखाता हूँ करके, इन निकाला मैंने, ये चालू करता हूँ, जो सामने चीज़ें हैं वो, आपको होल्ड करके ऐसा देख सकते हैं या शूट कर सकते हैं,
ये अभी सपोज हम लोग स्टैंड शूट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो ये साइड मुझे स्क्रीन देखना है, तो मैं ये ऊपर के साइड में रखूँगा बराबर, और इसका मेन कैमरा मैं शूट के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं मुझे ये ऐसा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट। तो मैं जो बोल रहा था, ये स्टैंड, ये देखो, ये स्टैंड जो है, ये स्टैंड ये बीच में आ रहा है यहाँ पे, ये साइड में, तो वो आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो आपके इस फिर में भी आपको ये जो डिस्टेंस है वो आपको बढ़ा के लेना पड़ेगा, और जूम जो कि जो जैसा आपको जो हिसाब से अच्छा लगे वैसे फिर शूट करना है। ये फिर भी अभी भी आ रहा है, ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे, और ये यहाँ का है, ये बीच में आ रहा है। तो अभी और भी आपको उसको ऊपर करके फिर शूट करना पड़ेगा। तो आप इसके लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं शूट करने के लिए, और एज अ सेल्फी स्टिक, एज अ स्टैंड जो वीडियो देखने के लिए भी आपको आप इसको यूज़ कर सकते हैं।